हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ सोना एलिवेटेड रोड पे ये दिखाने के क्या कुछ काम चल रहा है। लेकिन ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस पे फाइनली सोना एलिवेटेड रोड पे जो स्ट्रक्चर गिर गया था उसको हटाने का कार्य जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और आज यही दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ और कैसे उसे हटाने की पूरी जो तैयारी है वो चल रही है। जैसा कि आपको पता है इस जगह पे ये स्टार्ट होता है, अगर आप राजीव चौक की तरफ से आते हैं तो सबसे पहला एलिवेटेड रोड आपको मिलने वाला है। सोना एलिवेटेड रोड 1300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि 10 लेन का ये पूरा रोड बनाया जा रहा है। पहले ये स्टेट हाईवे था लेकिन अब इसे NH कर दिया गया है। NHI के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट आता है और ये दो फेज में डिवाइड किया गया है, फेज 1 और फेज 2। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है फेज 1 का। और इस पर आपको याद होगा कुछ महीने पहले ये जो एलिवेटेड रोड का स्ट्रक्चर था वो गिर गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उसे हटाने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो गिर गया था वो बात हो गई पुरानी, लेकिन जो नई बात है वो ये है कि अब फाइनली इस पे जो कार्य है वो तो प्रगति पे आ चुका है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ये देखिए। तो ये यहाँ पे सामने ये जो स्लोडाउन आपको दिख रहा है ये उसी वजह से है क्योंकि अभी इसके दोनों तरफ दो बड़े बड़े जॉइंट से क्रेन लगाए गए हैं। सामने जो आपको दिख रहा होगा इन दोनों क्रेन की मदद से वो जो स्ट्रक्चर गिर गया था उसे अब यहाँ से हटाया जाएगा और उसको वापस जो इनका स्टॉक यार्ड है वहाँ पर भेजने की तैयारी जो है वो चल रही है। और ये सोना एलिवेटेड रोड बहुत खास है और वो इसलिए क्योंकि इसी के जरिए फ्यूचर में आप कनेक्ट हो सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। से ये कार्य ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, इस ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा स्ट्रक्चर जब ज़मीन पे आग गिरे तो टाइम तो लगता ही है ना। जितना इसे बनाने में टाइम लगा उतना ही इसे हटाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक आपको इस जगह पे स्लो डाउन तो मिलने वाला है अगर आप सोना एलिवेटेड रोड को यूज़ करते हो, यानी कि सोना रोड को यूज़ करते हो वाटिका चौक बादशाहपुर और आगे सोना नू जाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई परेशानी होगी क्योंकि आपको भी ये जानकर अब अच्छा लगेगा कि फाइनली चलो अब थोड़े दिन बाद ही सही इस सोना एलिवेटेड रोड का काम, जो ये जो एलिवेटेड रोड बनाना है ये जो रुक गया था वो स्टार्ट होने वाला ही है। क्रेन की मदद से ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से हटाया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है और ये देखो ये दोनों क्रेन को सेटअप कर दिया गया है उसकी जगह पे और अब इसे यहाँ से हटाने वाले हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो गिर गया था, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यही गिर गया था कुछ महीने पहले और अब इसे हटाने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है, जो कंपनी है जो इसे बना रही है OSE ओरिएंटल कंपनी, जी हाँ। और ये जो क्रेन है इतना बड़ा है कि जो सोना रोड है जो कि अभी फ़िलहाल 2 लेन का है वो पूरा 2 लेन इसने कवर कर लिया है क्योंकि बहुत ही बड़ा जॉइंट सा क्रेन है। हो सकता है आपको ये कैमरे में देख के नहीं एहसास हो रहा होगा लेकिन सच बताऊँ तो बहुत ही बड़ा क्रेन है ये। तो ये देखो ये क्रेन वाकई में बहुत ही बड़ा है और इसकी मदद से ये पूरा सेटअप जो है ये हटाया जा रहा है। कंपनी जो इसे कार्ड कर रही है यहाँ पे वो है OSE ओरिएंटल कंपनी। जब से ये जो स्ट्रक्चर है ज़मीन पे गिरा था तब से अब इस कंपनी की भी किरकिरी हुई है। लेकिन अच्छी बात मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि इस कंपनी ने जगह पे इस कंपनी को सुधार करना था वो इन्होंने किया है। इस जगह पे फिलहाल अभी ये दो लेन इसलिए बनाया गया है, टेम्प्रेरी है ये, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से मूवमेंट कर सके आराम से, जो ट्राफिक का मूवमेंट है वो हो सके क्योंकि जैसा कि आपसे मैंने कहा ये एक दो दिन में तो नहीं हटने वाला है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये जो कार्य है वो स्टार्ट हो चुका है और कुछ दिनों में फिर से रफ्तार के साथ सोना एलिवेटेड रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। और आपको कैसा लगा ये जानकर कि काम इस पर फिर से स्टार्ट होने वाला है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाय बाय। It's not a game, it's a rage game.